नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में संचालित उम्मीद संस्था के द्वारा बच्चों के साथ मनाया गया चिल्ड्रन डे। सोनभद्र में आज चिल्ड्रन डे पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के द्वारा उम्मीद संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उम्मीद संस्था में पढ़ने वाले बच्चों ने जमकर के लुत्फ उठाया। आज बाल दिवस के अवसर पर उम्मीद संस्था के संयोजकों ने पहुंच करके मुसही अम्बेडकर भवन कैंपस में बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर चिल्ड्रन डे को एक नया रूप दिया है और बच्चों को लुभावने गिफ्ट भी दिए। चिल्ड्रन डे के मौके पर उम्मीद संस्था के बच्चों के बीच प्रोफेसर जी एस तोमर, निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मार्गदर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर उम्मीद के सदस्यों ने बच्चों को गिफ्ट बांटे और बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जो उम्मीद संस्था के केयर टेकर हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह से सुझाव दिए जाते हैं कि जहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है, वहाँ के स्थानीय बच्चे जो काफ़ी पिछड़ेपन के शिकार हैं, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य प्रोफेसर और चुने हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के द्वारा किया जाए, जिससे कि स्थानीय बच्चों का समुचित विकास हो सके। इस क्रम में बच्चों को प्रतियोगी तथा प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का काम किया जाता है। बच्चों को एक निश्चित स्थान पर एकत्र करके शिक्षित करने के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कैंपस का चयन किया गया है तथा पिछले 4 वर्ष से एक उम्मीद नाम के संस्था का गठन करके उसने बच्चों को रजिस्टर्ड कर शिक्षित करने का कार्य छात्रों एवं प्रोफेसरों के द्वारा किया जाता है। रवि त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र। वहीं बच्चों के शिक्षित करने के लिए संस्था के सदस्यों के द्वारा कोऑर्डिनेटर पद पर चुने गए सोनकर जी ने बताया कि हम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों तथा प्रोफेसर के द्वारा सहयोग राशि एकत्रित कर बच्चों के पढ़ने के लिए संसाधन जैसे बोर्ड, कॉपी किताब, पेंसिल, पेन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं तथा जो बच्चे की प्रतिभा आगे उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए भी संस्था के सदस्य ले जाकर के लखनऊ और अन्य बड़े शहरों तक उनका खर्च उठा करके उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा देने के लिए साथ में ले जाकर के संपन्न करवाते हैं। वाइट उम्मीद संस्था के कोऑर्डिनेटर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुसही गांव के प्रधानपति जितेंद्र वाल्मीकि ने कहा कि बच्चों का मन बहुत ही निर्मल और कमजोर है और उनके सामने की हुई हर एक छोटी या बात उनके दिमाग पर असर डालती है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके क्रियाकलाप, उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह हमारे देश के हित के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। जो भी हो, वह कार्य के प्रति समर्पित हो, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने उपस्थित जन समुदाय के सामने कहा कि हमारे द्वारा जल्द ही अम्बेडकर भवन कैंपस का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे यहां पर आ रहे बच्चों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खबर जगत के लिए एलन। क्लास वाइज बच्चों को अरेंज करते हैं और उसके बाद बच्चे आते हैं, तो हम क्लास वाइज अपने एक टाइम टेबल बनाए हैं अपने एजुकेटर्स का, तो हम अपने एजुकेटर्स के थ्रू हम इनको अपने बच्चों के क्लास में प्रोवाइड करवाते हैं और फिर जो एजुकेटर्स जिस क्लास के लिए मतलब रखा गया है उसको फिर प्रॉपर वे में उनके सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं। लगभग कितने बच्चे यहाँ आते हैं? हमारे पास 180 बच्चों का इस टाइम मतलब हमारे पास आते हैं 180 बच्चे। तो आप इनके घर पर जाकर संपर्क किए कि अपने से आते? शुरू में जब हम लोग उम्मीद में मतलब इतने बच्चे नहीं थे, फिर हम ये घर घर जाके एक बार बताया कि हाँ उम्मीद चलती है, आप यहाँ पे आइए, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो एक बार हमने प्रचार किया, इस बार फिर हमने कुछ नहीं किया। जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद हम इसको ओपन किए, उसके बाद जब फर्स्ट दिन आए तो बच्चे 60 आए थे, सेकेंड डे जब हमने उम्मीद को ओपन किया तो लगभग 120 बच्चे हो गए, उसके बाद तब से बच्चों की संख्या बढ़ी हुई। लगभग कितने घंटे क्लास चलता है हमारे यहाँ? सर 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हम लोग देते हैं बच्चों को। उम्मीद का संचालन पिछले 2000 अगस्त 2017 से उम्मीद
एक संस्था जिसमें बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं, पिछले 4 वर्षों से इसका सफल संचालन करते आ रहे हैं। बीच में कोविड महामारी में कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था, और इसका बेसिकली जो हम लोगों ने रोड मैप प्लान किया कि यहाँ अगर प्रदेश सरकार की व्यवस्था कह सकते हैं, या फिर हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी हम लोग को सजेस्ट करती है कि आप लोग जहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज सिचुएटेड है वो लोग उस लोकेलिटी के लोगों को एजुकेट करें, उनको जो समाज की दूसरी जो बुराइयां हैं उससे उनको शिक्षित करके उस बुराइयों को दूर करें। अब इस क्रम में हमारे संस्थान के बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर से कुछ सेलेक्टेड छात्रों का हम लोग चयन करते हैं कि जो इस अम्बेडकर भवन में जो मुसही में स्थित है, यहाँ पर आकर के इस नगर पंचायत चुर्क और ग्राम पंचायत मुसही, इवन रॉबर्टगंज से भी कोई बच्चा अगर आना चाहता है तो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को उनको उचित शिक्षा दी जाती है, उनको प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उनकी तैयारी भी करवाते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक बच्चे को, कुमारी वंदना जो है, इनका एडमिशन हम लोगों ने पॉलिटेक्निक पर भी रिसेंटली उनका हुआ है, उनको कम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा उनको सेलेक्ट कराया गया है। और ये जो बच्चे हैं कक्षा 1 से, इनके लिए अलग अलग एजुकेटर की व्यवस्था है, अलग अलग शिक्षक हमारी जो छात्र हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। संसाधन में इनको क्या मतलब मुहैया कराई जाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए संसाधन की क्या व्यवस्था है? बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस क्रम में हम उनको जरूर संस्थान के नियमों के अधीन, जो संस्थान के हमारे नियम है उसके अधीन रहते हुए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बच्चे पहली बार ये बोले कि हमको लोकेशन नहीं डिसाइड हो रहा है, तो हमने ये कहा कि अम्बेडकर भवन हम लोग डिसाइड कर लिए ग्राम प्रधान के सहयोग से और बाकी समाज के अन्य समाजसेवियों के सहयोग से हमने इस ग्राम अम्बेडकर भवन का लोकेशन डिसाइड कर लिया। इसके बाद जब संसाधन की ज़रूरत आती है तो बच्चों को मार्कर देना है, डस्टर देना है, बुक्स प्रोवाइड करना है, इवन इन बच्चों का जो प्रायोगिक परीक्षाओं का जो फॉर्म भरा जाता है वो भी हमारे छात्र उस फॉर्म को भरवाते हैं। और पिछली बार एक प्राइमरी स्कूल की बच्ची को विद्या ज्ञान का एग्जाम उसने क्वालिफाई किया और उस परीक्षा को कराने के लिए हमारे स्कूल कॉलेज का ही छात्र लखनऊ उस बच्ची को लेके गया, उनके अभिभावक के साथ, उनके गार्जियन के साथ उस बच्ची की परीक्षा कराया। अगर देखा जाए मुझे लगता है इस प्रदेश से पहले किसी प्राथमिक विद्यालय की कोई बच्ची थी जो विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया, जो मुख्य परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण वो नहीं कर पाई। और ऐसे ही बच्चों का जो हम प्रायोगिक परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, अगर देखा जाए तो नवोदय का और पॉलिटेक्निक का, और इस बार जो हमने ऐड किया है इन बच्चों को